ये दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फायरबेस क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल स्तंभ है, मतलब कि देखा जाए तो इसकी नींव है बिल्कुल। अगर आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है फायरबेस की। तो फायरबेस आखिर है क्या? तो फायरबेस के नाम से ही हमें समझ में आता है कि डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? मान लो आपकी एक स्टोरी एप्लीकेशन है जिसमें आप चाहते हो कि मेरी एप्लीकेशन में रोजाना चीज़ें अपडेट, मतलब कि स्टोरीज अपडेट होती रहे। तो आप क्या करोगे? बेसिकली आप चाहोगे कि एक मेरे पास डेटाबेस हो और उसे मैं रोजाना अपडेट कर सकूं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, देखते रहिए, आपको अच्छी खासी से नॉलेज मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा यार, जल्दी से आपको अपनी आंखें टेस्ट कर लेनी है। आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसे अगर दबाएंगे तो देख लीजिएगा कि वो ग्रे होता है या नहीं। मजाक कर रहा था यार, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम लोग बताते हैं, फायरबेस के बारे में बताता हूँ। तो फायरबेस आपको वेबसाइट पर आ जाना है। तो ये ऐसे ही काम करता है, ये ऑनलाइन डेटा को रखता है, जैसे कि फेसबुक है, और ये सारे एक डेटाबेस पर ही काम करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी गो टू कंसोल पर आ जाना है। तो वेबसाइट पर आने के बाद गो टू कंसोल, इसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपको कुछ अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली आपके जो यूज़र आईडी है उससे डिटेक्ट कर लेता है और उसी को यूज़ कर लेता है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली गो टू कंसोल पर जाना है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम कोडलर, मतलब कि मेकरॉयड। तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और थंकेबल पे भी ये काम कर सकता है, कर जाता है अच्छी तरह। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी चीज़ें उठानी हैं, तो मैं उठा लेता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैं एक यूज़र इंटरफेस में से जाके एक सबसे पहले लेबल उठा लेता हूँ, और लेबल लगा दिया, और एक बटन उठा लेता हूँ। तो बटन लगा दी एक, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ मैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टोरेज में जाना है, और स्टोरेज में जाने के बाद फायरबेस डीबी, तो फायरबेस डीबी मतलब कि डेटाबेस वन। तो उसके बाद क्यों हो गया, अब चलते हैं फायरबेस। अब जो मेन काम आता है वो यहाँ पर आता है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाए। अब कीजिए इस पर ऐड प्रोजेक्ट में क्लिक कीजिए, और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम, तो मैं डालता हूँ यहाँ पर न्यू डीबी, डीबी का मतलब डेटाबेस, और ये आपकी प्रोजेक्ट आईडी है वो यहाँ पर मिल गई आपको। और लोकेशन, इससे अभी प्रोजेक्ट आईडी से कोई मतलब नहीं है, लोकेशन मैं इंडिया सेट कर लेता हूँ, अगर आप पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान भी सेट कर सकते हैं। तो ये इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ सर्वर को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ही प्रोजेक्ट बन जाए तो आपको उसकी यूआरएल निकालनी है कि जो डेटाबेस है वो उठेगा कहाँ से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड्रॉयड, क्योंकि हम लोग एंड्रॉयड पर काम करने वाले हैं, और ये इसको कट कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको आ जाना है, पहले इस पर क्लिक करना है, आपको ये आ जाए, और जैसे ही इस पर आ जाए तो डेटाबेस पर क्लिक कर देना है। डेटाबेस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बीटा वर्जन देखने को मिल जाएगा इसका। तो आपको बीटा नहीं, आपको रियल टाइम डेटाबेस चाहिए, तो मैं वो भी बता देता हूँ कैसे आपको रियल टाइम डेटाबेस चाहिए होगा और कैसे आप ला सकेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस नहीं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, हाँ क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद ये लॉक्ड मोड आ रहा है, और लॉक्ड मोड पर आपको करना है, क्योंकि टेस्ट मोड पर नहीं करना है। लॉक्ड मोड ये अपने सिक्योरिटी रूल्स एक्टिवेट कर देगा। तो जैसे ये हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आपको दिख रहा होगा बीटा वर्जन, तो आपको इस पर सिलेक्ट करना है रियल टाइम डेटाबेस। तो ये अब सही से काम करेगा, बीटा में आप छोटे छोटे कम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर एक यूआरएल, तो यूआरएल को कॉपी कर लीजिए इस पर क्लिक करके, और इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और आपको क्या करना है, आपको डेटाबेस में यहाँ पर लगा देना फायरबेस डीबी वन, और यहाँ पर फायरबेस यूआरएल दिख रही है तो आपको यहाँ पर डाल लेना है फायरबेस यूआरएल। तो यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दी, और उसके बाद आपको टोकन और चाहिए होगा, तो टोकन में जाने के लिए आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहीं पर आपको टोकन देखने को मिल जाएगा। तो टोकन इसी को कहते हैं, वेब API की को, मतलब एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये हो गया, इसको आप डाल दीजिए कहाँ पर, ये पहले से डला है, इसे हटा देते हैं, कंट्रोल ए डिलीट
टोटल पे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो बकेट बन चेगा। अब बकेट की बात आती है, बकेट अभी मैं समझा दूंगा आपको धीरे धीरे। सबसे पहले इसे ब्लैंक कर दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें, और यहाँ पर इसे सेव कर देते। परसिस्ट रहने दो, परसिस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें लॉक्ड डेटाबेस नहीं चाहिए। तो परसिस्ट का मतलब होता है परसिस्टेंस, मतलब कि लॉक, मतलब कि कोई सिक्योरिटी, तो ये मतलब था उसका, ठीक है। अब डेटाबेस पे आते हैं हम जल्दी से दोबारा। अब आपको क्या करना है, मॉड्यूल्स स्टार्ट करने हैं। मॉड्यूल्स मतलब कि ज़्यादा कुछ हाई लेवल में नहीं बोलूँगा, आराम आराम से बोल रहा हूँ मैं इसीलिए। तो आपको करना क्या है, बेसिकली दोबारा से रियल टाइम डेटाबेस पर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टैगिंग स्टार्ट करनी है। अब बात आती है, चलो मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, उस पर ये मान लो जो टेक्स्ट फॉर बटन लिखा हुआ है, इस पर मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रेश। अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो नई स्टोरीज लोड हो जाएंगी। तो लेबल वन में मैं क्या किया, बिल्कुल इसको ब्लैंक कर दिया। तो ये कहाँ से उठाएगा, ये डेटाबेस से उठाएगा अपनी सारी चीज़ें। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है ब्लॉक्स में। अब ब्लॉक्स की बारी आती है, तो अब देखो फायरबेस डीबी वन, सबसे पहले क्या करो, बटन वन पर क्लिक, मतलब कि बटन वन का मतलब रिफ्रेश, जब उस पर क्लिक होगा तभी हर चीज़ काम करेगी। तो ये उठाओ, उसके बाद क्या करना है, फायरबेस डीबी वन और गेट वैल्यू, मतलब कि वैल्यू मंगा रहे हैं। अब देखो इसको ध्यान से समझना, तो टैग को क्या, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पर। एक और ब्लॉक उठाया टैग का नाम, अब देखो टैग आया यहाँ पर। अब टैग क्या है, टैग हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इस पर ये प्लस का आ रहा है ऐड चाइल्ड का, तो इस पर क्लिक करो तो ये ऐड चाइल्ड हो गया। अब यहाँ पर आप ना टैग नाम डालो, जो यहाँ पर मांग रहा है कि टैग बताओ टैग क्या है। तो टैग का मतलब है, अब मान लो आपकी एक कंपनी है तो आपको एम्प्लॉई को सर्विस फीस अपनी सैलरी देनी पड़ती है। तो मान लो जो टैग है वो एम्प्लॉय का नाम है और जो वैल्यू है वो एम्प्लॉय की सैलरी है। तो एम्प्लॉय की सैलरी आप एम्प्लॉय के नाम के वाइज से डिटेक्ट करती हो, तो ऐसे ही ये भी काम करता है। मान लो मैंने दे दिया यहाँ पर स्टोरी, तो ये ऐसे दे दिया, और वैल्यू देयर कुछ भी एक आओ, आप यहाँ पर रोजाना चेंज कर सकते हैं अगर आपकी स्टोरी है कुछ भी है। तो ये हो गई मान लो, ठीक है। अब देखो ये टैग हो गया आपका स्टोरी। तो जैसे ही आप इस पर लिखोगे कि टैग ये वाला मेरा यहाँ से कहाँ से उठाओ जो कि मैंने दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने स्टोरी डाल दिया, ये हो गया स्टोरी। तो अब आपको क्या करना है, जैसे अब वैल्यू इफ टैग नॉट देयर। अब ये बहुत ही रेयर केस में जब बीटा वर्जन यूज़ करते हो तब ये काम में आता है, लेकिन अभी हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही ब्लैंक रहना दो उसको उसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जैसे ये हो जाए उसके बाद फायरबेस डीबी वन दोबारा से क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आ रहा होगा जैसे गॉट वैल्यू कर ले, मतलब कि जैसे लोड एड होता है, जैसे कि इंटरस्टिशियल कॉल लोड एड और जब लोड हो जाए एड, तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि बट लेवल में जाइए, और लेवल में जाने के बाद सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट का मतलब सेट, ये सेट लेवल वन टेक्स्ट टू क्या, आप इसमें आपको डालना पड़ेगा क्या जो वैल्यू आई है। अब वैल्यू क्या आई है, वैल्यू यहाँ से पता चलेगी, ये टैग वैल्यू पर क्लिक करो और गेट वैल्यू। तो ये था, ऐसे आपको करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलता हूँ कल के एक और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।